आप तो माता का मस्तक समझ कर टिक रहे हो, वो आपके चरण में जब गिरा तो इसका मतलब माता का मस्तक आपके चरण में। गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। एंड ये जो वीडियो है, मैं वैष्णो मंदिर जो गया था उसी की वीडियो है, जो काफी लंबी हो जाती क्योंकि बाबा जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही जो लोगों तक वो पहुंचाना चाहते हैं। तो ये वीडियो मैं अलग से डाल रहा हूँ बिकॉज ये वीडियो अलग से डालना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही अच्छी और सही बात कही गई है क्योंकि ये भगवान के अपमान और सम्मान की बात है। तो ऐसा गलती प्लीज कोई भी ना करे, और आप भी अगर करते हो तो आप भी ना करें क्योंकि ये वीडियो इन तक देखना बहुत जरूरी है। तो और उन्होंने मुझे कहा कि लोग वीडियो तो बनाते हैं बट शेयर नहीं करते, तो गाइस प्लीज आई रिक्वेस्ट टू यू, शेयर मैं अकेले तो नहीं कर सकता हूँ, आप लोग के हेल्प से ही होगी। तो आप लोग इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर हो उतना ज्यादा शेयर करना कि लोगों को ये बात जरूर समझ में आए। तो देखते हैं इस वीडियो को, ठीक है। आपको प्रसाद मिलता है वैष्णो देवी के लिए, बेचने वाले भी बेचते हैं वैष्णो देवी के नाम से, आप खरीदते भी है वैष्णो देवी के नाम से। रास्ते में आपको राम दरबार से लेकर ना जाने कौन कौन दरबार मिल जाते हैं, आप सारे प्रसाद वहीं चढ़ा देते हैं, सिंदूर में हाथ डाले, इलायची दाना में डाले, सब सफ़ेद सफ़ेद से रंगीन हो गया। और मुरही का पैकेट है, पैकेट खोले भगवान के देह के ऊपर ऐसे छीट दिए। अरे आपके ऊपर चावल छीट के देंगे तो आप खाना खा लेंगे क्या? नहीं, आप भगवान के ऊपर मुरही निकाल के छीट देते हैं, ये क्या तरीका है? ये तो गलत बात। गेंदा का माला मिलता है, माला में से फूल नोच नोच के उनके देह पे छिट देते हैं, आपके ऊपर इस तरह से कुछ भी फेंका जाए तो आपको कैसा लगेगा? ये भक्तों को समझना चाहिए, भगवान के साथ खिलवाड़ करते हैं। भगवान का आपको आशीर्वाद लेना है, आप पैर छू के आशीर्वाद लेंगे, आप भगवान का क्या करते हैं, मस्तक में जाके मांग भरने चली जाती है। जितनी भी माता बहन है क्या करेंगी, जाके मांग भरेंगी। तो मांग भरना जरूरी है, आप उनको सिर्फ वो करो ना, क्या कहते हैं, आप उनका जाके पैर पे डाल दो, वही एक चुटकी से उनके पैर पे डाल दो, मांग भरना जरूरी है। आजकल माताओं को देखते देखते लड़कियां भी शुरू करती हैं, वो भी माँ की मांग भरने लगती है। अब आप एक बात बताओ, आप पैर से आशीर्वाद लेते हो कि किसी के सर से? हम आपको अगर सर छुके आपसे आशीर्वाद मांगेंगे तो आप आशीर्वाद होगी गुस्सा होंगे, मेरा सर क्यों छू रहा है? सही बात है, हम लोग तो माता लोग को छूने नहीं दिया जाता है, दूर से यहाँ मांग भर देती है, प्रसाद को ऐसे गिना देती है। भाई आप भोजन कराने आओ, घर में पूजा करते हो तो चांदी की थाली में और प्लेट में और पीतल और तांबे की प्लेट में और स्टील की प्लेट में भोग लगाते हैं, मंदिर में आते हो तो चौखट पे जमीन पे डाल देते हो। आप स्वयं बताओ कि अगर ये प्रसाद मेरे पास इतना सारा है, इधर देखो ये इतना सारा प्रसाद, इसको मैं उठा के जमीन पे डालूं, कोई नहीं लेगा, कोई खाएगा? कोई नहीं लेगा। लेकिन भगवान के नाम से लेके आएंगे डाला में सजा करके और यहाँ जमीन पे डालेंगे कि भगवान तो खा लेंगे, ऊपर स्थान दिया गया और उनके लिए जमीन पर रखने चाहिए भोजन। तो हमारा कहना यही है कि भाई आप पहले जानो कि प्रसाद भोग कैसे लगाए ना लगाए, मंदिर में जहाँ पुजारी है उनको दे सबसे पहली बात। दूसरी बात, जिनके लिए पहले प्रसाद लाए हैं पहले उन तक पहुँचाए, आप उनको नहीं देते हैं सारे रास्ते में आपके प्रसाद खत्म हो जाते हैं। तो प्रसाद को बचाएं, वहाँ तक लेके जाए, पहले उन तक दें जिनके लिए आपने लाया। आपके लिए मैं भोजन लाऊं और आप ही को ना दूं और सबको खिला दूं तो क्या फायदा हुआ? हम आपके लिए लाने का मेरा क्या मतलब हुआ? तो पहले तो वैष्णो देवी के लिए आप खरीदते हो, वैष्णो देवी को नहीं देते हो। वैष्णो देवी के पास आते हैं तो बाबा पी नीचे ही चढ़ गया था, क्या कहते हैं, सब तो है नहीं है तो हम क्या कर सकते, जब आप नहीं लाए तो हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, आप नहीं लाए तो मैं करेंगे, आप यहाँ से प्रसाद लेके जाओ। ये स्थिति है लोगों, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग नहीं जानते हैं ना जानना चाहते हैं। अब एक बात आप बताओ कि आपको भी पता है कि भगवान के पास अच्छी बुरी दोनों शक्तियाँ होती है, पता है ना, बच्चों को भी पता है, लेकिन ये बताओ कि जो बच्चे या जो बड़े जिनको पता है वो क्या करते हैं? कहते हैं कि बुरी शक्ति वहाँ है, अच्छी शक्ति वहाँ, अगर बुरी शक्ति उनमें सटेगी तो क्या वो बचेगी? वो तो भस्म हो जाएगी। तो वो बुरी शक्तियाँ जो है वो चौखट पे होती है, क्योंकि वो उनमें सट नहीं सकती इसलिए वो चौखट पे होती है। तो बुरी शक्तियों का काम क्या है कि बुरा करना, मतलब आपको बुरा आशीर्वाद देना। जैसे आप बीमार हो जाओ, आप दुखी हो जाओ, आपके जीवन में कलह क्लेश हो, आपके जीवन में कष्ट आए, तकलीफें आए, आर्थिक तंगी हो, इस तरह की बातें होती हैं। तो जो लोग आपके इन चीज़ों को समझते नहीं है वो चौखट पर प्रसाद डालते हैं, उनको जैसे ही मिला वो इस तरह का आशीर्वाद देंगे। आपको पता भी होगा बहुत से ऐसे भक्त हैं जो बीमार रहते हैं, बिस्तर पकड़े जाते हैं, डॉक्टरों के पास इलाज के लिए जाते हैं, जाँच पे जाँच करवाते हैं, जाँच का रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर कहते हैं आपका रिपोर्ट कहता है आप सही हो, आप नॉर्मल हो, और जबकि वो इंसान बिस्तर पक रहा है, ये बीमारी आया कहाँ से? तो यह बीमारी को वो लोग वहीं से लाते हैं,
यही चौखटों से लाते हैं, समझे। तो सबसे बड़ी बात है कि जब आप जानो आप ईश्वर की पूजा करने आओ तो ईश्वर की पूजा करो, उसकी कराओ, उस तक पहुंचाओ, उनका जो स्थान है दिखाओ, रूपा पूजा उनका जो स्थान है वहाँ पे फूल चढ़ता है, वहाँ पे माला चढ़ता है, उनके गले में चढ़ता है, उनके चरणों में चढ़ता है, प्रसाद उनके आसपास में भोग लगता है, देख लो यहाँ है, यहाँ है, हर जगह है, उनके सिंदूर यहाँ चढ़ते हैं, उनके कटोरे में प्लेट में यहाँ और भी प्रसाद चढ़ते हैं, तो उनके हर चीज़ का स्थान बना है। आप चौखट पे डाल के चले जाते हो फिर उनको क्या मिलता है? तो आप तो अपने लिए अच्छा कहाँ ढूंढ रहे हो, आप अच्छा करो, उन तक पहुँचाओ अपना वो चीज़ जो आप लेके आए हो उनके लिए, श्रद्धा से, भक्ति से, दूर दूर से आए हो। और फिर क्या करते हो, इतना दूर से चल के और जमीन पे रख के चले कि भगवान ग्रहण कर लेंगे, खा लेंगे, कैसे खाएंगे जब आप जमीन से उठा के नहीं खा सकते। तो ये समझना चाहिए भक्तों को कि जब हम नहीं जमीन से उठा के खा सकते तो भगवान कैसे खाएंगे, और ऊपर से थेथरलॉजी बतियाएंगे, थेसिस देंगे, अपनी श्रद्धा का गुण गाएंगे, अपनी भावनाओं का गुण गाएंगे। तो ये कैसी श्रद्धा है, कैसी भावना है, कैसा गुण आप गा रहे हो कि गलती भी करते हो और अपना गुण ही गाते हो, अपनी ही गाथा गाते हो। तो सबसे पहले आप समझो कि आप क्या गलती। आपने देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कष्ट में मंदिर से घर जाते हैं और पत्नी से मारा पीटी शुरू कर देते हैं, घर जाते हैं परिवार में कला क्लेश हो जाता है, समाज में हो जाता है, क्यों होता है? आप तो मंदिर पूजा करने गए, उनको देखिए जिनके पास अरबों खरबों रुपए हैं या लाखों करोड़ों में है, उनके पास टाइम नहीं मंदिर में जाकर चौखट चौखट पूजने की, वो कार से गुजर रहे हैं और रास्ते से ही प्रणाम कर लेते हैं, भगवान जा रहा हूँ आज ये काम को देख लेना, मेरा 5 करोड़ का है संभाल लेना, वो 50 करोड़ बन जाता। हम 5,000 लेके जाते हैं, 5 रुपया बन के घर लौटते हैं। तो क्या है कि हम गलती करते हैं तो 5 रुपया हो जाता है 5,000 भी, और वो 5 करोड़ भी 50 करोड़ हो जाता है। तो हमको उनसे भी सीखना चाहिए कि जिनके पास टाइम नहीं है तो कम से कम चौखट तो नहीं पूछते। और दूसरी बात है कि मंदिर में जो ये जो छोटी छोटी प्रतिमाएं लगी होती है क्यों होती है? लोग सोचते हैं कि भाई वैष्णो देवी के पास जा रहे हैं इतना मूर्ति है सबको पूज दे, नहीं, बाकी जगह दर्शन कीजिए, दर्शन मात्र से कल्याण होता है, हर जगह लिखा है, हर जगह कहा गया है। तो आप दर्शन कीजिए, अपना कोई स्तुति पढ़ लीजिए, कोई चालीसा पढ़ लीजिए, कोई स्तोत्र गा लीजिए, कुछ कर लीजिए, मंत्र जप लीजिए, पाठ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। हर आदमी अगर कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा टाइम देगा तो उतना टाइम जो है माँ के पास नहीं लगेगा, तो यहाँ भीड़ भी कम हो जाएगी और सब जगह का काम भी हो जाएगा। लेकिन अगर हर जगह लोग चढ़ाने लगे हर जगह सेम भीड़ हो जाएगा। तो इसलिए एक तो गलती करते हैं कि चौखटों पे डाल देते हैं, भगवान के देह पे प्रसाद छींटते हैं, फूल छींटते हैं, सिंदूर छींट देते हैं, क्या है? आप भगवान को मना रहे हैं कि भगवान को तंग कर रहे हैं? आप भगवान को तंग कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, आपके ऊपर आप मुरही छींट देते हैं, देव के बाहर ही टिक रहे हो, वह सिंदूर गिरा आपके चरणों में, आप तो माता का मस्तक समझ के टिक रहे हो, वो आपके चरण में जब गिरा तो इसका मतलब माता का मस्तक आपके चरण में नहीं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप बिंदी लगा देते, धूल मिट्टी लगा हुआ उस पर बिंदी लगाया वो गिर गया, आप आगे बढ़ गए दूसरे के पैर में चिपक गया, तो माँ का बिंदी आप बिंदी तो मस्तक का होता है, आप अपने पैर में लगा के घूम रहे हो, तो ये क्या है? आपको समझना चाहिए जिनका जो स्थान है। देखिए हम यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाने से क्या होता है कि यहाँ बिंदी जो है ये किसी के पैर में नहीं जाएगा, यह बिंदी माँ के स्थान पे ही रहेगा। अब जब हमको साफ सफाई करनी होगी एक जगह एकत्र करके हटा देंगे, लेकिन जब आप जहाँ तहाँ चिपका दोगे दरवाजा खिड़की गेट में वो तो गिरना ही है, उसको लगना ही है लोगों के पैरों में, तो उसको समझना चाहिए। अब ये कौन समझाए? सही में सब नहीं समझ पाता है, तो खुद समझना होगा, खुद समझना होगा, समझदारी खुद में होना चाहिए। पूर्वज हमारी गलती के तो आज तक हम लोग भोगते हैं, अब हमारे नई जनरेशन जो है नई पीढ़ी को हम नई पीढ़ी को हम नया ज्ञान दें, उनको समझाएं कि हम आप जो गलती कर रहे हैं, हम अपने बड़े बुजुर्गों को भी इस गलती से रोकें। अच्छा लगा आपसे ये सब बात सुन के, और ये बात आएगा। देखिए आप जैसे युवा पीढ़ी अगर इस बात को हमारे युवा पीढ़ियों को तक पहुंचाते हैं कि वो समझे, आज माता बहने खुद गलती करती हैं, बच्चों को साथ में लाती हैं और उनको कहती है यहाँ टिक, यहाँ लगा, वो बेचारा शेर का क्या दोष है, वो शेर का मांग भर देती है, बताइए, शेर जो है वहाँ पे शेर का मांग भर देती है,
मैं तो हमेशा खुद साफ करता रहता हूँ, बेचारे का मांग बच गया अभी नहीं तो सुबह से शाम तक ये चलता रहता है। ठीक है, ये आता है कल। आप लोग पहुँचाइए भक्तों तक कि भक्त समझे, हम इस मंदिर की बात नहीं कह रहे हैं। कोई भी मंदिर हो, सही बात है, हर मंदिर की बात है। हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में अगर आप किसी भी मंदिर में पहुंच गए और आपको मौका मिलता है तो यही दीवार खिड़की टिकना शुरू कर देते हैं। वो तो गलत कहना, इनसे बचिए। भगवान के शरीर पे छिटना शुरू कर देते हैं, बहुत जगह रोक टोक लगता है, आप लोग नजर बचा कर फेंक देते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा? क्या आपके भगवान उतर के आपके आ जाएंगे प्रसाद खाने के लिए? उसको जानिए कि आप भगवान के लिए क्या कर रहे हैं। माता जी इसको तोड़ के दीजिए, बाहर में रखा हुआ मिला जी के पास। गाइज आई विश आपको इनकी सारी बातें समझ में आई हो, अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो ये चीज़ अगर आप करते हो तो प्लीज़ ऐसा गलती कभी मत करना, और आप नहीं करते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप दूसरों को भी समझाना, इस वीडियो के माध्यम से समझाना, ये वीडियो को उन तक पहुंचाना जो ऐसी गलती करते हैं। नहीं भी करते तो उन्हें भी भेजना कि वो अगर जानते हो या ऐसा कोई गलती करता हो तो ये सभी पूरे समाज में पता चलना चाहिए। तो हमें भगवान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें भी कोई खाना फेंक के देगा तो हम बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो हम लोग मंदिर में जाते और ऐसे फेंक देते हैं, तो ये सब गंदी बात है, ये सब गलत बात है। आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखना, अगर नहीं देखा तो फिर से देख लेना। एंड आई विश गाइज आप लोग ऐसा कभी मत करना। एंड मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, इनकी बातें अगर अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट करना, एंड चैनल पे जो भी न्यू है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग गाइज, बाय बाय।